शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ओर लॉकडाउन के चलते सब कामकाज बंद पड़े हैं, तो दूसरी ओर शहर के गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में नरसाला निवासी अधिवक्ता अनिल गुल्हा ने और वकील मित्र परिवार की ओर से अब तक हजारों जरूरतमंदों का अनाज किट का वितरण एवं फल फ्रूट का वितरण रोजाना किया जा रहा है। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे की ये रिपोर्ट, साथ ही हाथ बढ़ाना। कोरोना वायरस ने जब से शहर में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। शहर के मेयो मेडिकल अस्पताल में अब तक सैकड़ों कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, जिससे कोरोना के मरीज अच्छे भी हो रहे हैं। शहर के अधिकांश बस्तियां हॉटस्पॉट बनी है, तो कहीं बस्तियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग सील कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश से बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जारी किया गया है, जिससे हर कोई घरों में है। ऐसे में जो गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोग हैं, वे भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ लोग तो भूखे प्यासे हो जाने से वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। कई गरीब परिवार के बच्चे अपनी माँ से, माँ खाना दो, भूख लगी है, ऐसा कहते हैं। ऐसे में घर में बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं रहने से माँ की आंखों में आंसू निकल आते हैं। अपनी तकदीर को वे कोसती रहती है, लेकिन वो अपने और अपने बच्चों का पेट की आग नहीं बुझा पा रही है। शहर के कई परिसर के हजारों की तादाद में ऐसे गरीब जरूरतमंद लोग एक एक दाने के लिए मोहताज है। ऐसे में एडवोकेट अनिल गुल्ला ने, चेतना गुल्ला ने, आदेश और निर्देश गुल्ला ने और अधिवक्ता मित्र परिवार ऐसे गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए आगे आ चुके हैं। अब तक हजारों लोगों को ये गुल्ला ने परिवार की टीम ने रोजाना हाथों से अनाज किट को इस चार पहिया वाहन में रखते हैं। जब वाहन में सभी किट को रखा जाता है, उसके बाद एडवोकेट अनिल गुल्ला ने, चेतना गुल्ला ने स्वयं इस वाहन से उन गरीबों तक अनाज की किट का वितरण कर रहे हैं। अब तक शहर के चारों दिशा में बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा अर्चना समझकर देश की सेवा में ये तमाम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सभी लोग सुबह 7 से रात 11 बजे तक अनाज किट का वितरण और उसका नियोजन कर रहे हैं। इस मौके पर एडवोकेट अनिल गुल्ला ने, चेतना गुल्ला ने और अधिवक्ता मित्र परिवारों ने इस अनाज किट वितरण के बारे में इन बीसीएन समक्ष जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग हर किसी को सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वही वाहन है, जो चार पहिया वाहन जो दिखाई दे रहा है, ये वही है जिसके वजह से अब तक के हजारों हजारों लोगों के जीवन में उनका गुजर बसर हो रहा है, उनका उनके घर में चूल्हे जो जल रहे हैं इसी वाहन से। जी हाँ, आखिरकार ये वाहन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वाहन से जो उन गरीबों तक पहुंच रहे हैं अनाज की किट, ऐसे लोगों से सबसे पहले हम आपसे मुखातिब यानी उनसे रूबरू करवाएंगे। जी हाँ, इस समय में इनबीसीएन की टीम आई हुई है गुल्ला ने परिवार के और जो नरसाला में रहते हैं। गुल्ला ने परिवार, एडवोकेट अनिल गुल्ला ने और उनकी पत्नी चेतना गुल्ला ने और आदेश निर्देश उनके बच्चे और ये तमाम मित्र जो परिवार है, आप देख सकते हैं थोड़ा पहन करके सबको बताइए कि ये वही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हुए गोर गरीब लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, जरूरतमंदों के तरफ अनाज किट का वितरण कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। इस समय में अब हम आपको एडवोकेट अनिल गुल्ला ने, जिन्होंने अब तक हजारों की तादाद में लोगों को अनाज किट का वितरण किया है, उनसे बात करेंगे। गुल्ला ने साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां हम पूरे बीसीएन परिवार की ओर से देते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज आपने हजारों की तादाद में ये जो किट, अनाज किट का वितरण जो किया है, ये करने के पीछे का मैं उद्देश्य नहीं कहूंगा, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों लगा आपको ऐसा कि मैंने लोगों को अनाज किट देना चाहिए? एक्चुअली वैश्विक महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, अपने देश में भी वही चल रहा है। बहुत से लोग जो रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे, पेंटर लोग हैं, जो बाड़ी का काम करते वो लोग हैं, वो सभी लोग जो आज के समय काम नहीं कर पा रहे थे।
मैंने 15 अप्रैल तक के देखा कि उन लोगों का खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनको, इसलिए हमने फर्स्ट टाइम 17 अप्रैल को डिसाइड किया कि 240 किट हम इनिशियली बनाए। उसमें मैंने मेरे कुछ दोस्तों से बात किया, उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया कि हाँ अपन करते हैं। उसके बाद हमने 240 किट बनाए। जब 240 किट बनाते बना रहे थे और बांट रहे थे, तब ध्यान में आया कि अपन जो किट दे रहे इससे कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम हमारे घर से सभी लोगों को एक पायली आटा, एक पायली चावल और ऑयल वगैरह देंगे। इसीलिए फिर हमने 22 तारीख से कंटिन्यू हमने चालू किया, सभी लोगों को हमने हमारे घर से एक पायली आटा, चावल, तेल और मिनी किट का वगैरह वितरण करना चालू किया, जिनसे जितने भी गरीब लोग हैं जो काम कर रहे थे उन लोगों को मिले। इसमें ऐसा भी समझ में आया कि जो लोग दिगोरी में रहते हैं या फिर जो लोग दिहाड़ी काम करते हैं उन लोगों के ठेकेदार चले गए हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे, वो भी लोग मेरे यहाँ पे आके अनाज लेके जा रहे हैं। बहुत सी बूढ़ी औरत रहती है जिनके जो बर्तन का काम करती है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को, वो भी मेरे यहाँ आके रोक के मेरे पास से अनाज वगैरह सब लेके जाते हैं। कैसा लग रहा है आप जब लोगों की सेवाएं दे रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो? मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि भगवान ने यही काम के लिए हमें चुना होगा और भगवान ने आदेश दिया है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते रहे, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस काम में मेरे बहुत से दोस्त लोग, हमारे एडवोकेट सीनियर लोग मुझे खुद हो गए आगे से फोन करके मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, कोई मेरे घर में आके खुद हमको अनाज ला के दे रहे हैं। इसमें मेरे एडवोकेट मित्र परिवार भी हमको सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल के अधिवक्ता की जो टीम है वो भी काफी अच्छा काम कर रही है, ऐसा इनका मानना है। इस समय में चेतना गुल्ला ने हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। चेतना जी ये बताइए, जब महिला आपके पास आती है तो क्या चलता है आपके मन में, कितना दर्द होता है आपको? त्यांचे दुःख मला पाहूनच होत नव्हते सुरुवातीला, आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये अक्षरशः अश्रू राहत होते। तर मग त्यावेळेला असं वाटलं की आपणही काहीतरी करूया, स्पेशली स्त्रियांचं दुःख पाहणं होत नव्हतं। मग त्यावेळेला आम्ही ही नवीन योजना तयार केली, रात्र बसून योजना टाकली, दोघांनी मिळून सुरुवातीला हे काम सुरू केलं। मुलं पण सोबतीला होतीच आमच्या, त्यामुळे मग हे अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असते, त्यामुळे मग आम्ही ही योजना सुरू केली आणि प्रत्येक गरीबापर्यंत पोहोचावी ही आमची खूप मनापासून इच्छा होती। खूप दिवसापासून वाटतही होतं की काहीतरी करायला पाहिजे गोरगरिबांसाठी। मग त्यानंतर आम्ही योजना सुरू केली आणि खूप छान वाटते आहे, समाधान वाटते आहे आणि कुठंतरी असं वाटतं की नाही चला, म्हणजे ती एक ईश्वरसेवाच झाली एक प्रकारची। अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असते ही एक संकल्पना धरूनच आम्ही ही योजना सफल करण्याच्या ह्याच्यात लागलेले आहोत। आप बताइए कि आप अपने माता पिता के इस कार्य में कितना हाथ आगे बढ़ा रहे हो, कौन कौन सा काम आप कर रहे हो? जैसे कि मेरे मम्मी पापा ज़्यादातर काम में ही रहते हैं, तो हम उन्हें किट वगैरह ला के देते हैं। और हमें बहुत दुख होता है जब हमारी उम्र के बच्चे भूखे होते हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भी इनके काम में मदद करें और हम भी इनका हाथ बटाएं। कैसा लगता है जब आप अपने उम्र बराबर उम्र के बच्चों के पास जब किट लेके जाते हो तो क्या कहते हैं? हमें बहुत बुरा लगता है, बल्कि इस कोरोना महामारी के वजह से ज़्यादातर लोगों के बच्चे भी खाना नहीं खा सकते हैं, तो हम हमेशा लोगों की मदद करते रहेगा। जब आप अपने उम्र के बच्चों को जब किट देते हो, उनके घर परिवार में जाते हो, विद्यार्थियों को जाते हो देते हो, तो हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारी उम्र के बच्चे रोते हैं, तो हम हमारे ओर से उन बच्चों को हम किट प्रदान करते हैं और हम सबको किट प्रोवाइड करने की इच्छा करते हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि कोई भी भूखा ना सोए और अगर किसी को कोई परेशानी है तो हमारे पास आकर मिले, हम आपको किट और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं गुल्लाने साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों को, गरीब लोगों का सेवा करने का बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। और इस कारण हम लोग सुबह से आके शाम तक के किट बनाने की उनकी मदद करते रहते हैं, उनका पूरा मित्र परिवार उनकी मदद करते रहता है। और सच में जो कोरोना महामारी में जो आपत आई है, उस वजह से जो गुल्लाने साहब जो सहयोग कर रहे, जो लोगों की सेवा कर रहे, इसलिए मैं भगवान से उनसे यानी सच्चे मन से आभार मानता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमको ईश्वर की सेवा करने का मौका मिला है, गुल्लाने सर की वजह से हमको श्रम करने का ये कई मौका मिला है, इसीलिए हम सर्वप्रथम सरांनी 15 एप्रिलला ही संकल्पना ऑफिसमध्ये समोर ठेवली होती की आपण गरीब परिवारांसाठी धान्यवाटपचा कार्यक्रम घेऊ म्हणून। तर आम्ही सरांना म्हटलं की तुम्ही सुरू करा, तुम्हाला जी पण मदत लागेल आम्ही करायला तयार आहो। बाकी सर्व मित्र परिवारांनी सरांच्या काही धान्यासाठी मदत केली, काहींनी पैशासाठी मदत केली आणि आम्ही सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे किट बनवून वितरणाचं काम सुरू केलं।
आप पहले यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमें किसी के लिए कुछ कामकाज करना है तो उजाला दिखता है, अगर किसी के लिए काम नहीं करना है तो हमें अंधेरा दिखता है। मगर शहर के कुछ ऐसे महानुभाव है जिनमें एडवोकेट अनिल गुल्ला ने एक ऐसा नाम उनके परिवार और उनके मित्र परिवार की ओर से और शहर के अधिवक्ता इनकी ओर से अनाज कीट का वितरण बड़े पैमाने पे किया गया है और ये कार्य निरंतर जारी है। नागपुर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।